नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई डिजाइन लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस डिजाइन में मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस प्रकार से डिजाइन बनानी है आपको। और दोस्तों, ये आपका पार्ट टू देख पा रहे हैं आप। पार्ट वन में मैंने बता दिया था किस प्रकार से स्टार्टिंग करनी है, कितनी रस्सी आपको दबानी है, कितनी रस्सी उठानी है, वो सभी चीज़ मैंने बनाकर आपको बता दी थी। यदि वो वीडियो आपने देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सी डिजाइन बताई थी कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये ताना कैसे तानते हैं, ये चारपाई की डिजाइन कैसे बनानी है। यदि वो वीडियो भी आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी है तो ऊपर हमारा आई बटन होता है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मोबाइल्स में नाम लिखना, हिंदी में नाम लिखना, इंग्लिश में नाम लिखना, वो सभी भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधा इस पे, किस प्रकार से हमने स्टार्टिंग करनी है, या पार्ट टू देख पा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अब आगे आपको क्या करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पांच रस्सी आपको दबाना है और पांच रस्सी उठाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्लॉक आप देख पा रहे हैं बीच वाले, ये सेंटर में आपको मैं डिजाइन बनाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आपको पांच उठानी और पांच रस्सी ही दबानी है, और ये भी जोड़ा सी रस्सी दबानी है। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये मेरी पाँच रस्सियाँ हैं, अलग अलग आप देख पा रहे हैं, जोड़ा सी रस्सी हैं। तो ये सभी आपको पाँच दबाते और पाँच उठाते रहिए, इस प्रकार से आपको जोड़ा से रस्सी आपको दबानी और उठानी है। और जो सेंटर है वहाँ पे ही ये डिजाइन बनेगी हमारी। देखो ये सेंटर हमारा आ गया है, तो यहीं आपको डिजाइन बनानी है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पांच दबाकर तीन रस्सी उठानी है, फिर दो रस्सी आपको दबानी है, फिर चार रस्सी उठानी है, और ये तीन रस्सी आपको दबा देनी है। फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से ही ये चार रस्सी वापस उठानी है और दो रस्सी दबाकर तीन उठानी है। तो इस प्रकार से ये डिजाइन आप बनाएंगे। ये हमने उठा ली, यहाँ पे दो रस्सी दबाकर और ये हमारी तीन रस्सी उठा देंगे। तो तीन रस्सी उठाकर दोस्तों उसके आगे आपको क्या करना है, सिर्फ पांच दबानी है, ये पांच रस्सी उठानी है। यहाँ से आप पांच दबाएंगे और पांच रस्सी ये उठा लेंगे आप। इसमें आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, सभी ये पांच दबानी है और पांच रस्सी ही उठानी है। इस प्रकार से आप पांच दबाते और पांच उठाते रहिए रस्सी, और सभी ये रस्सी जोड़ा से लेनी है। और अंत में जो भी रस्सी यहाँ पे बजाती है दोस्तों, चार बजाती है, चार उठा लीजिए, यदि तीन बजती है तो तीन उठा लीजिए। फिर आपको किल्ली कैसे डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पकड़िए इस प्रकार और धीरे धीरे इसको निकालिए, और ये निकाल कर आप इस प्रकार से डाल देंगे इसमें, और डाल के इसको वापस खींच लीजिए, और ये रस्सी को इस प्रकार से वापस, ये रस्सी हमारी है यहाँ पे आप खींच लेंगे। तो इसी प्रकार हमारी ये रस्सी खींच जाएगी, और ये भी आप डिजाइन में इधर भी घुंडे डाल दीजिए, ये भी घुंडे हमारी है इस प्रकार से डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा आप सेट कर दीजिए हल्का, तो इस प्रकार से सेट कर देंगे आप, तो रस्सी डल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ पे चार रस्सी आपको दबाने हैं। कई दोस्तों ने बोला था कि आप बनते हुए दिखाइए, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने बहुत सी डिजाइनें बनाई थी, वो भी डिजाइन आप देख सकते हैं। फिर पांच दबाते पांच उठाते रहिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा आपको लाइफ दिख रहा है कि किस प्रकार से आपको बनानी है चारपाई। उसी में मैं आपको डिजाइन बता रहा हूँ, खाली सिर्फ डिजाइन आपको कैसे बनानी है वो देख लीजिए। तो यहाँ तक दोस्तों देख पा रहे हैं आप, चार दबाकर पाँच दबाकर सॉरी पाँच उठा के लानी, और यहाँ पर आपको क्या करना, तीन दबानी है रस्सी। देखो पांच दबाकर तीन रस्सी उठाई, फिर यहाँ पे तीन दबा दी, और तीन दबाकर दोस्तों यहाँ पे ये पांच रस्सी दबा देंगे, और तीन रस्सी तीन दबाई तीन उठाई, फिर ये पांच दबा देंगे, फिर ये तीन उठा देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, फिर यहाँ तीन दबा के दोस्तों तीन रस्सी उठा देंगे। तो इस प्रकार से डिजाइन आपको करनी है। और उससे आगे ये ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको पांच दबानी है और पांच रस्सी ही उठानी है, इसमें कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ ये पांच दबाते हो पांच उठाते रहिए।
ये इस प्रकार से आप आगे भी उठा दीजिए। तो इसमें किस प्रकार से घुंडी डालनी वो आप देख लीजिए, मेन चीज है घुंडी डालना। तो देखिए इस प्रकार से आप निकालेंगे धीरे सीख, ये इसमें डाल देंगे और डाल के इसमें ये किल्ली डाल दीजिए। इस प्रकार जो ज़्यादा अधिक रस्सी है उसको वापस खींच लीजिए जी, खींच लेंगे इसको वापस खींच लीजिए दोस्तों। और दूसरी साइड में यहाँ भी हम डाल देंगे, इसको थोड़ा आप इस प्रकार से सेट कर लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपको डिजाइन बनानी है। सिर्फ ये सेंटर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये डिजाइन हमारी इसके बीच में ही बनेगी। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ तीन उठाकर एक दवाई, फिर यहाँ छह रस्सी मैंने उठाई थी, सॉरी पांच रस्सी फिर एक दवाई थी, फिर मैंने पांच रस्सी उठाकर एक दवाई फिर तीन उठाई, फिर यहाँ मैंने तीन उठाकर दो रस्सी दबाई, फिर यहाँ पे चार रस्सी उठाई तीन दबाई, फिर चार उठाई दो दबाई, फिर यहाँ तीन रस्सी उठाई, फिर यहाँ तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ पांच रस्सी दबाई दोस्तों, फिर मैंने तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई और ये पांच रस्सी दबाई। तो इस प्रकार से इस ब्लॉक का आपको ध्यान रखना है, बस जो किस प्रकार से ब्लॉक में बंद होगा वो सभी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यदि ये डिजाइन आपको इस साइड में भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से डिजाइन बनानी है। तो आगे चलते हैं, यहाँ मैंने तीन रस्सी दबा दी और तीन दबा के दोस्तों पांच उठाई पांच दबानी है, ये यहाँ तक ब्लॉक तक आपको पांच उठाकर पांच रस्सी लेके आनी है। जो भी हमारी डिजाइन बनेगी वो सेंटर में बनेगी, सेंटर में ही आपको ये डिजाइन बनेगी दोस्तों। इस प्रकार से क्या करना, एक उठाकर आपको तीन रस्सी ये उठा लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पहले यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ तीन दबाकर तीन उठानी है, फिर यहाँ पे एक रस्सी आपको दबानी है, एक रस्सी दबाकर फिर आपको ये तीन रस्सी उठानी है, फिर एक दबानी है फिर तीन उठानी, फिर यहाँ तीन दबानी तीन उठानी, फिर इससे आगे तो आपको पांच दबाई पांच उठाइए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हल्की गलती हो गई थी, पहले यहाँ पे एक दबाई फिर ये तीन दबानी है, फिर ये तीसरी रस्सी डालेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक दबाकर आपको तीन उठानी है और इससे पहले यहाँ पे तीन उठाई तीन दबाइए, तो ये आपको ध्यान रखना है हल्का सा। अब उससे आगे रस्सी क्या डालेंगे, हम तीन उठाकर एक दबाएंगे, फिर ये तीन रस्सी आपको पांच रस्सी उठानी होंगी दोस्तों, पांच रस्सी उठाकर आपको क्या करना, एक दबानी है, एक दबाकर दोस्तों आपको क्या करना आगे, ये पांच रस्सी उठाएंगे। इसी प्रकार से आप एक दबाकर पांच रस्सी उठा दीजिए। अब उसके आगे आपको पांच उठाकर एक दबानी, फिर ये तीन उठा देनी है रस्सी, फिर आपको ये तीन दबानी है और तीन रस्सी उठानी है, सॉरी यहाँ पे ये आपको एक दबाकर यहाँ पे पांच रस्सी उठानी है और पांच रस्सी उठाकर दोस्तों आपको फिर से एक दबानी है और एक दबाकर वापस ये तीन रस्सी उठा लेंगे। तो इस प्रकार से ये आगे की डिजाइन आपको शुरू करना है। और इसके आगे तो दोस्तों आपको पता है कि पांच दबानी और पांच रस्सी ही उठानी है, उस रस्सी में आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आप पांच दबाते और पांच उठाते रहिए, आगे की पांच दबाएंगे और पांच रस्सी उठा देंगे। इसी प्रकार से आप आगे चलते रहिए, यहाँ पे आगे की रस्सी चलेंगे हम इस प्रकार से दोस्तों। ये डिजाइन आप बन जाएगी हमारी, यह घुंडी मैंने डाल दी है और वापस जो रस्सी बड़ी है ये आपको इस प्रकार से ये इधर है ये वापस खींच लेंगे हम इस तरफ, और ये इसको थोड़ा सही कर देंगे दोस्तों, यह मैच इसे मैचिंग कर देंगे ताकि बहुत ही आसानी से मैच हमारी रस्सी हो जाए। इसकी भी मैं आपको क्लियर डाल देता हूँ यहाँ पे ये घुंडी। और दोस्तों रस्सी को ज़्यादा टाइट मत रखिए, आप नॉर्मल रखिए तो बहुत ही आसान रहेगा आपको बनाने में। ज़्यादा टाइट रखने से क्या होता है, बाई होती है हमारी उसमें भी बैंड पड़ जाता है, इसलिए रस्सी को जितना सॉफ्ट रखेंगे आप नॉर्मल रखेंगे उसी में आपको फायदा है। जो ये देखें फिर ये यहाँ आपको सेंटर में ही सिर्फ ये डिजाइन बनती हुई नज़र आएगी, यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर ही आपको ये डिजाइन बनती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पे दो तीन रस्सी आप दो रस्सी दबा दीजिए और दो रस्सी दबाकर पांच रस्सी आपको उठानी है,
फिर ये पांच दबाएंगे और पांच उठाएंगे, इस प्रकार से पांच दबाते और पांच उठाते रहिए आप, तो ये आपके सामने ये डिजाइन आपकी बन जाएगी। इस प्रकार से ये डिजाइन आपको बनानी। फिर यहाँ पे दोस्तों पांच दबाकर तीन रस्सी उठानी है और तीन रस्सी उठाकर दो दबानी है, फिर ये चार रस्सी आपको उठानी है दोस्तों इस प्रकार से, फिर आपको एक रस्सी दबानी है और तीन रस्सी उठा देनी है। और तीन रस्सी उठाकर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज हो जाएगा, एक रस्सी दबानी है, फिर ये तीन रस्सी उठाकर एक दबाइए और फिर दोस्तों ये चार रस्सी आप उठाइए। ये आप उठा लेंगे और उसके साथ साथ ये आप उठाकर दो रस्सी आप यहाँ दबा देंगे दोस्तों, ये चार रस्सी हमारी है, ये उठाकर आपको दो रस्सी दबानी यहाँ पे और तीन रस्सी उठानी है, और तीन रस्सी उठाने के ये लहर आपको आ जाएगी, तो यहाँ से आप पांच दबाइए और पांच उठा दीजिए, उसके बाद में कोई इंटरफेयर मत कीजिए, सिर्फ जो इंटरफेयर करना है वो आपको सेंटर में ही करना है दोस्तों, इससे पहले आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। तो इस प्रकार से रस्सी डालकर आपको थोड़ा हल्का यहाँ से सेट कर देंगे, इस प्रकार से ये रस्सी हमारी डल जाएगी और ये भी घुंडी आप डाल देंगे दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या है, मैंने देखो यहाँ पे दोस्तों पांच दबाई, फिर मैंने तीन रस्सी उठाई थी, फिर दो दबाई है और ये चार रस्सी उठाई है, फिर एक दबा कर दोस्तों तीन रस्सी उठाई है यहाँ पे, फिर मैंने एक दबाई यहाँ पे, फिर ये तीन रस्सी उठाई, फिर दोस्तों एक दबा कर फिर मैंने चार रस्सी उठाई, फिर यहाँ दो उठाकर तीन रस्सी उठाई है, फिर ये पांच दबाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सिर्फ इसी ब्लॉक में हमारी ये डिजाइन आपको सामने बनती हुई नजर आ रही है, यही आपको अलग डिजाइन का आज को फूल बनाकर दिखा रहा हूँ मैं, तो वही डिजाइन यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा हूँ आपको। आगे वो रस्सी कैसे डलेंगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से रस्सी आपको डालनी है। तो फिर यहाँ पे आप चार रस्सी पांच रस्सी उठाइए, एक रस्सी दबा दीजिए और पांच रस्सी उठा लीजिए, और फिर उससे आगे आपको पांच उठानी है और पांच ही रस्सी दबा देनी है, यही करना है दोस्तों सिर्फ, पांच उठाइए और पांच रस्सी दबा दीजिए, इस प्रकार से पांच उठाएंगे और पांच दबाते रहिए। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ब्लॉक में से दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तीन रस्सी दबा देनी है और तीन रस्सी दबाकर आपको यहाँ पे तीन रस्सी उठानी है, फिर एक रस्सी दबानी दोस्तों, और फिर ये आगे आपको मैं बता रहा हूँ, सॉरी दोस्तों अभी गलती हो गई थी थोड़ा सा, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इसके आगे, वो रस्सी मैंने वापस निकाल दिया, ये फूल हमारा आधा बन गया दोस्तों, अब इस फूल को हमें काटना रस्सी, ये इधर रस्सी जा रही हमारी, अब ये वापस इधर लेके आनी और ये रस्सी इधर लेके आनी, इस फूल को हमें ब्लॉक में बंद करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ मैंने अभी दो दबी हुई, तो आप क्या करेंगे तीन दबा देंगे, यहाँ से उल्टा हो जाएगा थोड़ा, तीन दबा देंगे और पांच रस्सी उठा लेंगे आप, तीन दबाकर ये तीन दबाकर फिर आप पांच रस्सी उठा लीजिए, ये पांच उठाइए और पांच दबाइए दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको तीन रस्सी दबाना है, ये क्योंकि हमारा फूल है ये आधा बन गया है इसलिए थोड़ा मेरा ध्यान नहीं था, गलती हो गई थी वो, अब आपको पांच उठाइए और पांच दबाइए, लहर आपको दोस्तों मोड़नी है बस, अब मुड़ती हुई नजर आ जाएंगी। तो यहाँ भी आपको पांच दबा कर देखो क्या करना है, यहाँ पे तीन रस्सी उठा लेना वापस, और तीन रस्सी उठाकर आपको क्या करना है दोस्तों, वापस ये तीन रस्सी उठानी है और ये चार रस्सी उठाकर पांच रस्सी उठाकर एक दबानी है और वापस पांच रस्सी ये आपको दबाना है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पे हमने पांच रस्सी उठाई है और एक दबाई, फिर ये पांच उठाई और एक दबाई, और फिर दोस्तों ये पांच रस्सी उठाई है हमने और फिर एक दबाई और तीन रस्सी उठाई है, ये इस प्रकार की डिजाइन हमने बनाई है, फिर ये वापस यहाँ पे पांच दबाई और पांच रस्सी उठाई है, तो इस प्रकार से आगे पांच दबाते और पांच उठाते रहे ये डिजाइन में आप, ये देख लीजिए आप पूरी डिजाइन हमारी, यहाँ पांच दबाएंगे और पांच रस्सी उठाएंगे, देखो लहर भी आपको कटती हुई नजर आ जाएंगी, जब मैं एक दो रस्सी और डालूंगा तो आप बहुत ही आसानी से आप लहर देख पाएंगे कि हमारी लहर कट रही है, तो यहाँ ये किल्ली डाल देता हूँ।
ब्लॉक में बंद कैसे होगा वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, किस प्रकार से आपको ब्लॉक में बंद करना है। तो इस प्रकार से ये रस्सी हमारी डल जाएगी। देखिए ये भी हम रस्सी ब्लॉक में बंद करके आज ये फुल दिखाऊंगा पूरा। आगे इसको थोड़ा एक बार सेट कर देते हैं। देखो हल्का दोस्तों आपको ये मुड़ती हुई रस्सी नज़र आ गई होगी, तो इस प्रकार से आप ये रस्सियों को मोड़ सकते हैं। और उसके बाद में फिर से दोस्तों ये आपको यहाँ पे चार रस्सियाँ अब दबाना है। वापस हम क्या करेंगे, चार रस्सी दबा देंगे और पांच उठा देंगे और पांच रस्सी दबा देंगे। ये पांच दबाई, पांच रस्सी उठा दी, फिर वापस हमने पांच दबाई और पांच रस्सी उठा देंगे। तो इस प्रकार ये डिजाइन की लहर हमारी चेंज हो जाएगी और ये ब्लॉक में बंद होना शुरू हो जाएगा हमारा है। जो डिजाइन है ये यहाँ पे पांच दबाई और पांच उठाइए दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, पांच दबाकर और तीन रस्सी उठाकर दोस्तों अब एक दबानी है। इस प्रकार से आपको आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, तीन उठाकर आपको तीन रस्सी ये दबाना है और तीन दबाकर फिर तीन उठाना है और फिर क्या करना है आपको एक दबाना है और एक दबाकर दोस्तों तीन रस्सी ये उठा लेना। देखिए अलग अलग है, तीन रस्सी उठाकर फिर आपको क्या करना है एक दबाना है और एक दबाकर दोस्तों आपको तीन रस्सी उठाना है। यहाँ हमने एक दबा तीन रस्सी उठा ली है, फिर आपको तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठानी है दोस्तों। देखो इस प्रकार से ये डिजाइन आप शुरू कर पाएंगे कि हाँ मैंने पांच दबाई फिर तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई एक दबाई और फिर दोस्तों तीन उठाई एक दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई और फिर आगे पांच दबाई और पांच मैं उठा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये आपको डिजाइन बनती हुई नजर आएगी। ये पांच दबा दी है और पांच रस्सी दोस्तों उठा ली है, यहाँ भी पांच दबाई और पांच उठा देंगे आप, पूरा सीक्वेंस हमारा ये बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी आप पांच दबाई और पांच उठा दीजिए और आगे यहाँ पे दोस्तों पांच दबाकर आपको पता है कि तीन रस्सी हमारी उठेंगी तो तीन उठा दीजिए, ये दो रस्सी उठ रही है तो ये दो रस्सी उठा दीजिए। इस प्रकार से आप कर लीजिए दोस्तों। अभी फिलहाल मेरी ये तीन रस्सी उठाई गई हैं तो तीन में उठा दूंगा। इस प्रकार से इसको थोड़ा रस्सी को हमें सही करना है और ये घुंडी हम डाल देंगे। देखिए ये हमारी घुंडी डल गई दोस्तों। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और ये रस्सी को थोड़ा सा हल्का सा सेट करके रखना है ताकि हमें बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। इस प्रकार से ये आपको रस्सी सेट करके रखेंगे। यहाँ भी इस तरफ भी घुंडी डाल देते हैं पहले और अब इसको मैं रस्सी को थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ। इसको थोड़ा यहाँ से भी ऐसे नज़दीक कर सकते हैं आप ताकि आसानी से ये भर जाए हमारी। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आप इसको सेट कर लीजिए और ये किल्ली आप डाल दीजिए। देखो ये किल्ली हम डाल देंगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पांच रस्सी ही दबाएंगे और पांच रस्सी उठाएंगे, फिर आप पांच दबाई और पांच रस्सी उठा दीजिए। नंबर वाइज इसी प्रकार से पांच दबाते और पांच उठाते रहिए आप। इस प्रकार से पांच दबाई और पांच रस्सी हम उठा देंगे। तो इस प्रकार से अलग डिजाइन आपको बनती हुई नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे पांच दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ दो दबाएंगे और दो दबाकर दोस्तों चार रस्सी उठाएंगे और चार रस्सी उठाकर दोस्तों फिर एक दबाएंगे और एक रस्सी हम उठा लेंगे। ये हम तीन रस्सी आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चार रस्सी उठाकर आपको तीन रस्सी दबानी है, फिर ही आगे चार रस्सी उठानी है आपको, चार रस्सी उठाकर फिर दोस्तों यहाँ पे दो रस्सी दबानी है और तीन रस्सी उठा देनी है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे इसका। ये देखो बीच में आपको अलग ही डिजाइन बनती हुई नजर आएगी। ये फूल हमारा ये अलग ही डिजाइन का आपको बनता हुआ नजर आ रहा है और ये डिजाइन भी दोस्तों अलग ही आपको बनती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे भी दोस्तों आपको पांच दबानी है और पांच रस्सी ये उठानी है।
इस प्रकार से आप 5 दबाते और 5 उठाते रहिए। इसी बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे आप 5 दबाते 5 उठाते रहिए। जो हमारा ब्लॉग देख पा रहे हैं आप, ये वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मैं घुंडी डाल देता हूँ पहले। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कभी कभी क्या है कि रस्सी वो हो जाती है, आटा खा जाती है, तो इसलिए वो कभी कभी दिक्कत आता है जी। वैसे इस प्रकार से घुंडी हम डाल देंगे और ये रस्सी को सेट भी हम कर देंगे, तो इस प्रकार से रस्सी आप डाल पाएंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये आपको अलग डिजाइन बनती हुई नज़र आ रही होगी। तो इस प्रकार से ये आपको डिजाइन बनानी है। रस्सी एक बार फिर देख लीजिए आप क्या करना है। मैंने यहाँ पे 5 दबाई थी, फिर 3 उठाई, फिर 2 दबाई, फिर यहाँ 4 रस्सी उठाई, फिर यहाँ 3 दबाई, फिर 4 उठाई, फिर 2 दबाई, फिर 3 उठाई, 5 दबाई है। तो इस प्रकार से मैंने डिजाइन बनाई है। तो आगे की डिजाइन किस प्रकार से आगे शुरू होगी दोस्तों, ये ब्लॉक में कैसे बंद होगा, वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।